ओ बिटा जा बिटाई बिट ते वसई नूर मुझ तो पहुंचायो ओ बिटा जा बिटाई। लाहौर की सैर करने से पहले आपको लाहौर का नाश्ता करना लाजमी है। बिट ते वसई नूर मुझ तो पहुंचायो ओ मुझ तो पहुंचायो मन जो उमे तू मुझ। नाश्ता कर लिए और जिस्म में कोई थोड़ी सी जान आ गई। अब मेरे साथ मोहसिन है। किधर गया? ये रहा। मैं और मोहसिन जा रहे हैं लाहौर को पहली दफ़ा टूरिस्ट की नज़र से देखने। तो चलो हमारे साथ मोहसिन। रेडी? हम मुझे तो आप जानते हैं। तो पहुंचायूं मन जो मुरादू ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझे तो पहुंचायूं। बको यकी आवत खुदा जवाने बादशाहें के नाम सुभाने। ए बको यकी आवत खुदा जवाने बादशाहें के नाम सुभाने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पीछे नज़र आ रहा होगा आपको मीनार पाकिस्तान। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इस हिस्ट्री के इसकी हाइट जो है 70 मीटर है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और ये 1960 में बनना स्टार्ट हुआ था एंड इट टुक लाइक 8 इयर्स एंड इट कंप्लीटेड इन लाइक 1968। तो इसने 8 साल लिए थे बनने में और मेरी नॉलेज के मुताबिक इस पर उस वक्त 70 लाख रुपया लाइक ख़र्चा आया था। इधर आए थे और मीनार पाकिस्तान, यहाँ पर हमारे एक भाई आए हैं जो ख़ुद ही अपना तारुफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। खैरापुर सिंध से आया हूँ। किधर से आया? खैरापुर सिंध से। खैरापुर सिंध से, माशाल्लाह। कैसा लगा हमारा लाहौर? तमाम ज़बरदस्त, अच्छा लगा। तो कल से इधर आए थे, अभी बादशाह मस्जिद देखी, उसके बाद ये मीनार पाकिस्तान में इधर खड़े हैं। कहाँ अगर बीता जोर जोर माने मेरा वहाँ बीता रहीम रहमाने। ए बको यकी आवत खुदा जवाने बादशाहें के नाम सुभाने। पर 5 या 6 साल बाद आ रहा हूँ, मतलब कि आई एम स्पीचलेस यार, किस तरह के आर्किटेक्चर थे ये। पहले तो मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी, लेकिन अब जब टूरिस्ट की नज़र से इस चीज़ को देख रहा हूँ ना, इट्स अमेजिंग। यहाँ पर एटलीस्ट 1.25 लाख लोग जो है ना, लाख से ऊपर ही, 1 लाख से ऊपर लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके 3 लाइक ये गुंबद हैं, 4 मीनार हैं और उनकी हाइट मेरे ख्याल से 175 फीट इतनी है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाए, इट वाज बिल्ड इन 1671 आई थिंक सो, और ये 2 साल में कंस्ट्रक्ट हो गई थी, 1673 में ये कंप्लीट हो गई थी। एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मोस्क इन पाकिस्तान एंड ये देख सकते हैं आप इस चीज़ को। और ये जो है, दीज आर द रेड स्टोन्स। लेकिन मेरे पैर जल रहे हैं इस वक्त यहाँ पर बैठ के, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आई एम जस्ट हेयर फॉर यू गाइस। मोहसिन,
क्या मैं सच कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसी ही है, यहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें लगी हुई हैं जो आपने कहीं भी नहीं ज़्यादातर देखी होंगी, ऐसी जगहों पे, पुरानी जगहों और काफ़ी जगहों पे जो है ना शूट भी नहीं यहाँ पर अलाउड है, ठीक है। एक जगह पे मैंने अंदर अभी थोड़ा सा चोरी से किया था, वो कुरान पाक के बारे में है। उसकी ये हिस्ट्री है कि कितना आप बता रहे थे मौसम क्या है वो? 10 साल में कंप्लीट हुआ था वो, 5% उसमें गोल्ड है और 95% उसमें जो है वो चांदी इस्तेमाल किया गया, और 10 सालों में उसे कंप्लीट किया गया था। ज़बरदस्त यार, कितना अच्छा लगता है ना कि लाइक हिस्ट्री के बारे में आप इस तरह अपने जानो। ये था इलामा इकबाल का एक मज़ार और बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री थी ये। बाकी जो कुछ अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए हम माजरत खवा रहे हैं। लेट्स गो टू शाह किला। आपको टिकट लेनी पड़ती है। ये ले जी। पको यकी आवत हुदा जवाने पातशाह के नाम सुबहाने। जिसने लाइक ना किया ना उसके लिए तौबा, ठीक है। ये वो सामने जगह है जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और सब मामला जो है उनके वो सुना करते थे। सुबहाने अल्लाह अल्लाह रत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई। जहाँ पर शाहजहाँ का मैं आपको पीछे बता रहा था तो ये भाई हिस्ट्री बताएंगे। सामने को आपका नाम क्या? मुनव्वर नाम है। मुनव्वर साहब, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में व्यूअर्स को थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे आप? जी सर, जो किले का आप किले के विजिट के लिए आए हैं, इस किले का जो रकबा है ये 42 एकड़स में है और 22 हिस्टोरिकल प्लेस में है, जिसमें सर फर्स्ट गेट अकबर के नाम का है जो फरियादी लोगों के लिए खोला जाता था। और ये अकबरी गेट जो है ये गेट के रास्ते भी किले के अंदर दाखिल होते थे। अच्छा, ये जहाँ पर आप लोग इस वक्त खड़े हैं ये दीवान आम है, अकबर की अकबर बादशाह की अदालत है। ये सामने अकबर बादशाह का जरोका, जरोका दर्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पर अदालत हुआ करती थी। अच्छा अच्छा, ये ऊपर सर वजीरों मुशीरों के रूम जान थे। इसके नीचे सर गंगान कारखाना भी है और इसके ऊपर सर अकबरी महल के अंदर एक सूरज की देवी बनी हुई है जिसकी पूजा अकबर की देवी हिंदू करती थी। अच्छा, आग पानी बुतों की पूजा करना उसका शिवा था। बाद में जब मुसलमान हुए उसको नई खिताब दी गई मरियम जमानी के नाम से। उसके नाम की मस्जिद इस किले के बाहर बनी हुई है, गेट के बाहर बनी हुई है। अच्छा, जो नाम है बेगम शाही मस्जिद। बेगम शाही मस्जिद। यकीन मानो मैं तो थक गया हूँ। मोहसिन, मैं बहुत थक गया अभी। ये यहाँ सामने ये वाली जो जगह है ये सारी शीश महल है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है ये उनकी बहुत अहम बिल्डिंग मानी जाती थी उस वक्त, जो है ना ये अच्छी आरामगाह जिसे कहते थे उसके लिए यूज़ की जाती थी। यहाँ से शीश महल की एंट्री है। उस दौर की मस्जिद है, यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ा करते थे उस वक्त। अब इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। पैसे नहीं ख़त्म हो गए थे बस, इतनी पुरानी है ना। अच्छा, तो ये सारी मस्जिद की तमीर अब दोबारा होगी, रेनोवेट होगी। अल्लाह रत्ता दिल में।
अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर खड़क सिंह रहा करता था, उसकी रिहाइश गाह कह लें या मज़ार कह लें, ये सामने है, इधर वो रहा करता था। और वो मिसाल भी आपने सुनी होगी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों पर खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मोहसिन यार, ये जो जगह है यहाँ पर क्या होता था? पूल पार्टी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप यू लाइक इट गाइस। और ये मेरी सीरीज़ का पहला एपिसोड था, पहला चैप्टर कह लें आप, बादशाही मस्जिद, शाही किला और इलामा इकबाल का मज़ार। आई होप कि मैं ड्रोन शॉट भी दे सकता आप लोगों को, तो कुछ और ही लेवल होना था इस वीडियो का। बट मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि तुम्हारी क्वालिटी वगैरह जो है वो सही नहीं है अभी, तो आई फिक्स इट इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मैं इम्प्रूव करूँगा इस चीज़ को अपनी। और फिर मिलते हैं कल नहीं तो परसों। नारकेली